मैं खुश हूं जान कि मैं यहाँ आई, मुझे बहुत मजा आया। जान सुनो, मैं जानती हूँ तुम सिटी मैन नहीं हो, तो तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए और वहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हें मजा आए, ठीक है? मैं सोचूंगा। ठीक है, सी यू। सी यू, बाय बाय बाय। चलो कहाँ? इस्तांबुल। और कहाँ सनम? नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। आप कार से? सनम चलो आ जाओ। ओके, अगर आप कह रहे हैं तो। सॉरी, आप स्टार्ट करो। नहीं, आप करो। नहीं, तुम करो। नहीं, आप करो। नहीं, वो नहीं। वो नहीं, तुम उसे ऑन करो। मुझे तुम्हारे प्ले किए हुए सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तुम्हारा म्यूजिक में टेस्ट अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, अब नया सॉन्ग सनम चूज करेगी। Gözleri siyah kadın, öyle çok özelsin ki bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi. Ye road kitna acha hai na? Haan, bahut acha. Spring mein aur bhi acha lagta hai. Hum yahan wapis aayenge. मेरा मतलब है कि हम एजेंसी के सारे लोग मिलकर यहाँ वापस। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, कोई वीकेंड पर चलेंगे। हाँ, हम देखेंगे। ओह गॉड, मैं यहाँ दो दिन एजेंसी से दूर हूँ और देखो मुझे डेरिन की बहुत याद आ रही है। हाँ, हम यहाँ से क्यों ना एजेंसी चले जाए, क्योंकि आज अप्रूवल के लिए मैकिनन आ सकता है। हाँ, हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ, बहुत काम करना है, और डोंट वरी, हम सब मिलकर ये खत्म करेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। Bitmeyen şiir gibi kapanırken gözlerin. Saçları siyah kadın, o kadar güzelsin ki derin bir roman gibi anlamlı her bir terim. Sen ürkek bir kış gecesi, ay ışığının gülüşüsün. आप बहुत थक गए होंगे ना? अगर आप चाहो तो मैं चली जाती हूँ। मैं नोट्स निकाल लूंगी और मैं किन्नौन से बात करूंगी, आपसे कल बात करूंगी। सनम, मैं नहीं आ रहा। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं नोट्स ले लेती हूँ। मैं एजेंसी में चली जाती हूँ। मैं अभी एजेंसी में जा रही हूँ और नोट्स निकाल कर आपसे कल बात करूंगी। सनम, मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलैंड का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मैं जा रहा हूं। हाँ, आप जा रहे हैं? हाँ सनम। क्या आप श्योर हैं? हाँ सनम, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं जाऊंगा कल ही। ओके,
अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और आपको खोने की डर की वजह से मैंने गलतियां की, फिर भी मैं ट्राई करती रही। I tried hard for you. मुझे पता था कि सब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, पर फिर भी मैं पागलों की तरह कोशिश करती रही और आपने गिव अप कर दिया जान। आप बस भाग रहे हो जान, आपकी प्रॉब्लम से, मुझसे, आपकी मॉम से, आप सब कुछ छोड़कर बस भाग रहे हो। आपकी माँ आपको बचपन में छोड़कर गई, इसलिए आप उनसे नाराज हो, लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो, आप सब कुछ छोड़कर भाग रहे हो। ठीक है, आपने जाने का डिसाइड किया है ना, तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। गुड बाय। तो वो जा रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने? उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ? हाँ, मुझे ये पहले से ही पता था कि वो पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मजाक कर रहे होंगे, उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए किया होगा ये सब। लैला, मैं पहले ही तुम्हें सब बता चुकी हूँ, मुझे उनकी आंखों में सब दिखाई दिया। वो अब और स्ट्रगल नहीं करना चाहते, उन्हें गिव अप करना है, और अब मैं भी थक चुकी हूँ। आखिर मैं उसके पीछे कब तक भागूंगी जो मुझे प्यार तक नहीं करता, चाहे मैं करूं या ना करूं। सनम, शायद वो अभी खुद की फीलिंग्स एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, शायद उनका माइंड अभी भी कंफ्यूज्ड है, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, समझ रही हो ना? मुझे लगता है मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, इसलिए रिजाइन कर दूंगी। सनम, नहीं ऐसा मत कहो, जल्दबाजी मत करो, काम जाओ और फिर से इस बारे में सोचो एक बार। लैला, उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं, और अब मैं भला यहाँ क्यों रुकूं? अगर मैं रुक गई तो मुझे उनकी याद आएगी। सनम, ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम यहाँ प्रोग्रेस कर रही हो जो बहुत से लोग नहीं कर पाते। तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, प्लीज रुक जाओ। मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगी और यहाँ तो बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तुम अभी लिख रही हो? ये पेन भी काम नहीं कर रहा। फिर ये जरूर कोई साइन है सनम, तुम इसे बाद में लिखना। लैला, तुम मुझे अपना पेन दोगी? नहीं सनम, यहाँ पर पेन नहीं है, पेपर भी नहीं है और पेन भी नहीं है। ठीक है, मैं कहीं और ढूंढ लूंगी। सनम, जिद मत करो, प्लीज रुक जाओ। ओके, अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आपको खोने की डर की वजह से मैंने कई गलतियां की है, पर फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया। आई ट्राइड हार्ड फॉर यू, पर आप सबसे भाग रहे हैं जान, आप सबसे भाग रहे हैं, अपनी मॉम से, मुझसे, अपनी प्रॉब्लम से, सबसे भाग रहे हैं आप। आपकी मॉम आपको बचपन में छोड़ के गई, इसलिए आप उनसे नाराज हो ना, लेकिन आप भी तो उनके जैसे ही हो, और आप जाने के लिए बेताब हो ना। ठीक है, जाइए, मैं नहीं रोकूंगी। जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम सनम को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सनम को मेरे ब्रेन पावर से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। गुलीस, क्यों, वो क्या लिख रही है? एक मिनट रुको, मैं पेन को रीड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ वो क्या लिख रही है। को रीड, ये कैसे मुमकिन है, जैसे लिप रीडिंग? गुलीस, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, ओके? अगर वो लिखती है तो जाहिर है वो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर पाएगी। आज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सनम एक अच्छी राइटर है, मुझे नहीं पता वो क्या लिख रही है, पर मुझे यकीन है जो भी होगा बेस्ट होगा। नहीं, नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। क्या है फिर, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यूरियस हो रही हूँ मैं, बताओ ना मुझे क्या है। वो रेजिग्नेशन लेटर लिख रही है। सनम रिजाइन कर रही है, मिस्टर जान क्या कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जान बॉल्कन्स जा रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। वो जा रहे हैं,
तुम्हें कैसे पता वो जा रहे हैं? तुमने ही तो कहा। क्या मैंने सनम के इस्तीफा के बारे में भी कहा? हाँ जी जी, अभी कहा तुमने। मर गया मैं तो। मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, पर तुम तो सबको सब कुछ बता देती हो, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो जी जी, बहुत अच्छे। अब मुझे पता चल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ। पुलिस की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव है, ये सब कुछ उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा, पहले खुद को साफ कर लेता हूँ। हो गया। अरे वाह, उसने पेपर को मोड़ दिया, जादू काम कर रही है। हेलो पोलन डियर, मेरे पास एक गुड न्यूज है। जॉन ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, उसने सनम के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब सनम जल्दी ही इस्तीफा दे देगी। ओके ओके, सी यू देन। सनम सनम, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। नहीं, वो मेरे पास रहने दो, हम बात करते हैं। विल यू प्लीज। सनम तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो, कंट्रोल करो। क्या कर रहे हो? उसे मुझे दो। नहीं सनम, जीजी बचपना बंद करो, समझे? तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे ऐसा मत करो। मुझे दो उसे। तुम क्या कर रही हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? वो ये मेरी रेजिग्नेशन नोटिस है। मिस्टर जान यहाँ नहीं है, इसीलिए ये अब मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी सनम, ये बकवास है। इतना काम करने के बाद तुम कैसे जाना चाहती हो यहाँ से? कुछ प्राइवेट रीजन है। और क्या है वो? मिस्टर जान और मिस पोलिन बॉल्कन्स जा रहे हैं, उन्होंने बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर एन, क्या मिस्टर जान जा रहे हैं? हाँ, जान कैसे जा सकते हैं? प्लेन से जा रहे होंगे। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? एजेंसी में कितना सारा काम बाकी है, जान कैसे जा सकते हैं? ओके जाने दो, वो मिस्टर जान देवित हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, पर तुम एक्चुअली मिस डेरेन, उसका कहना है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो उसे हर जगह मिस्टर जान नजर आएंगे, और ये एजेंसी उसे हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी, जो उसके लिए काफी इमोशनल होगा। ब्रावो जेजे, तुम तो काफी फ्रीली बात कर रहे हो, मुझे भी कुछ कहने दोगे प्लीज? हाँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ सनम, नो सीक्रेट्स, मैं कुछ नहीं छिपा सकता। ओके, अब तुम्हारे सीक्रेट संभालते संभालते मैं थक चुका हूँ, बस हो गया ये सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, बस हो गया। ओके, मैं समझती हूँ, तुम्हारा दिल टूट गया होगा, ये इतना इजी नहीं है। हाँ, इसलिए मैं ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती सनम, मैं साइन नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता, तुम एमरे के पास जाओ, अगर वो साइन करते हैं तो ठीक है, पर मैं नहीं कर सकती, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। जाओ जाओ सनम, जाओ, सब कुछ ठीक होगा। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिस्टर एमरे, क्या आप फ्री हैं? ऑफ कोर्स सनम, क्या हुआ बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम यूनाइट नहीं हो पाए। ठीक है, मगर क्यों? मिस्टर एमरे, मुझे रिजाइन करना है, और ये है मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? सनम, ऐसा क्यों कर रही हो? मिस्टर एमरे, अब मैं थक गई हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने अपने आप को झूठ और फरेब से दूर रखने की कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ कि यहाँ सब गिलती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जो कुछ भी किया वो जान को बचाने के लिए किया था, और फिर उसमें मैं ही फंस गई, पर मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, पर नहीं, वो मुझे माफ नहीं करना चाहते। जान जा रहे हैं। क्या उसने पोलैंड का बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट किया? अब मेरे यहां रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, आपने जो भी पैसे मुझे दिए थे वो मैं आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। सनम, ये सब की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो वापस कर दूंगी मिस्टर सनम। मैंने कह दिया ना, नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर भी उन्हें वापस कर दूंगी मिस्टर एमरे। सनम मेरी बात सुनो, इतना सडन डिसीजन मत लो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उसे बाद में रिग्रेट होगा और वो तुम्हें कॉल करेगा।
अब सब खत्म हो चुका है, बेहतर होगा कि हम इस बात को यही खत्म कर देते हैं। Have a nice day. सनी, माय डियर, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, अपना सामान ले रही हूँ। से बात करता है तुम्हें अच्छा लगेगा। सनी, कुलीस, अपना ख्याल रखना। ये यहाँ क्या चल रहा है? मिस सनम ने रिजाइन कर दिया है। ओह, क्यों? कुछ प्राइवेट रीजंस है इसीलिए। हाँ, अगर तुम प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ मिक्स करते हो तो अक्सर इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, विश यू लक माय डियर। थैंक यू, गुड लक। उसे रहने तो वो मैं लेकर आ जाऊंगी। आई लव यू ऑल। वी लव यू टू सनम। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हमें भूलना मत। हमें भूल मत जाना। गुड लक सनम। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मिलने नहीं आ सकती, तुम्हें आना होगा। आओगी ना? या, आई विल। तुम्हें आना होगा। हम तुमसे यूज्ड टू हैं सनम। मैं तो तुमसे बहुत यूज्ड टू हूँ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। यू टू। यू टू। टेक अ गुड केयर। सी यू। अब मुझे समझ आया कि प्रिंसेस रियल लाइफ में नहीं होती और सपने खत्म हो जाते हैं। सपने खत्म नहीं होते, वो टूट जाते हैं सनम। शायद, पर मैं आज भी सीक्रेटली सपने देखती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ जान, और आप भी मुझसे प्यार करते हैं,
बिला भी चादर जान, अगर हम चाहे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है सनम। हम शब्द का इस्तेमाल मत करो, ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर हमारे बीच कुछ स्पेशल होता तो ऐसा कभी नहीं होता, समझ में आ रही तुम्हें बात? हम आज इस सिचुएशन में नहीं होते। सनम मैं कल भी नहीं आऊंगा। क्यों? मैंने पोलन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, मैं जा रहा हूं। आपने गिव अप कर दिया जान और आप भाग रहे हैं। अगर आपने मुझसे सच्चा प्यार किया होता ना तो आप मुझे माफ कर देते। क्या आप ठीक है? ओह नो, उस लड़की को देखो। आप अचानक मेरे कार के सामने आ गई। क्या आप ठीक है? डोंट मूव। नहीं मैं ठीक हूँ। आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए एम्बुलेंस। नहीं नो नीड, मुझे बस सर पे लगा है, मैं घर चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। फोन नहीं लग रहा। क्या कर रही हो? क्या आपको दर्द हो रहा है? क्या आप खड़ी हो पाएगी? मुझे हेल्प कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प मी। धीरे। सुनो, नहीं सच में मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे बस सर में चोट लगी है। नहीं नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं। चोट बहुत ही लग चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। बैठिए, अंदर बैठिए। आप चले जाइए, मैं ठीक हूँ। बस आराम से। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मेरी गलती थी। हाँ बिल्कुल, हो जाओगी, क्यों नहीं होगी।